कुछ देर बाद दादा मुनि ने सचिंदा को बताया कि जो मेरा भाई है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा गा लेता है। वो बोले, तुम्हारा भाई का नाम है तुम्हारा? मैं बोला, मेरा नाम किशोर। ओ किशोर, अगर गाओ तो मैंने उनका वही गाना गाया जो उस वक्त बहुत पॉपुलर था बंगाली में। गाना था, कौन नगरिया जावो रे बंसी वाले, कौन नगरिया जावो, हाँ हाँ कौन नगरिया जावो। तो वो तो हंसते हंसते बोले, वंडरफुल, ये तो हमारा कॉपी करता। अरे दादा मुनि, एका आवाज बहुत अच्छा है, खूब भालो गान करे, हमी ओके निश्चय चांस देवो। मैं फिर क्या था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि सचिन ना मुझे गाना गवाएंगे। मैं तो फूल के कुप्पा हो गया। पहली बार सचिंदा ने मुझसे गवाया फिल्म 8 दिन में। पूरा गाना नहीं था, 2-3 लाइनें थी। वो गाना था, अरे बाका सिपहिया बाका सिपहिया बाका सिपहिया, घर जई हो घर जई हो। पहला पूरा गाना उनके लिए मैंने फिल्म बाहर में गाया। वो गाना था, कुसूर आपका हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। मगर ये गाना बम्बई में मैं नहीं गाया, मद्रास में गाया। वहां उन्होंने मुझे अपने ही कमरे में ठहराया और तब मुझे मालूम हुआ कि संगीत ही उनका जीवन था। उठते बैठते चलते फिरते हर बात संगीत की होती, हर काम सुरीला होता। सचिंदा मुझे बार बार समझाते कि देख किशोर, यूं गा ऐसा गा और फील करके गा एक्सप्रेशन के साथ, ज्यादा मुर्कियां तान मारने से कुछ नहीं होता, सीधा गाएगा तो गाना पब्लिक को अच्छा लगेगा, समझा ना। फिर मेरे जीवन में वो दौर शुरू हुआ जिसका संबंध न सिर्फ सचिंदा से था बल्कि देव आनंद की अदाकारी से भी। देश के लिए सचिंदा ने सबसे पहले मुझे गाना गवाया फिल्म बाजी में। वो गाना था, तेरे तीरों में छुपे प्यार के तराने हैं, तेरे तीरों में छुपे प्यार के तराने हैं, नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं, डंडर 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 डंडन डंडंडा। और फिर आई फंटूस। फंटूस में एक बहुत दुख भरा गाना था। सब कहने लगे, ये नया लड़का किशोर ये गाना गा नहीं सकेगा। सचिंदा अड़ गए कि गाना किशोर ही गाएगा, मैं उसी से गवाऊंगा। बस फिर क्या था, मैंने गाया और उस गीत से सचिंदा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए। उस गीत से उन्हें और मुझ में वो नाता जुड़ा जिसे न दूरी तोड़ पाई है न मौत। जहाँ नहीं कहना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपने दर्द के सब है दीवाने, किसके आगे रोना रोए, देश पर आया लोग बिगाने, दुखी मन मेरे गुन मेरा कहना, जहाँ नहीं कहना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। किशोर साहब, मैं आपको हमारे मुकदमे के दस्तूर के मुताबिक मुलजिम किशोर नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले तो जो इल्जाम आप पर लगाया गया है वो सही मानों में इल्जाम नहीं है बल्कि जनता की प्यार भरी शिकायत है। किशोर साहब, कि आपने आज से पहले कभी किसी को नहीं बताया कि सचिन देव बर्मन से आपका नाता क्या था और कैसा था, और दूसरा ये कि जनता की शिकायत को दूर करने के लिए आज आप हमें बर्मन दादा के बारे में बहुत कुछ बता ही रहे हैं। तो किशोर साहब, हम कुछ और करीब से देखना चाहेंगे इस महान संगीतकार को आपकी नजरों से। तो आइए अब मैं आपको सचिंदा की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊं जो आपने पहले कभी नहीं देखी। ये वो तस्वीरें हैं जो मेरे दिल में बसी रहती हैं और आज मैं उन्हें शब्दों में ढालकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली तस्वीर है सचिंदा की तबीयत के बचपने की। जी हाँ, इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी दिल उनका बिल्कुल बच्चों जैसा था।
नए धुन में वो उसी तरह खो जाते थे जब बच्चा नए खिलौनों में उलझ कर सब कुछ भूल जाता है। नई धुन की लगन में उन्हें न समय का ख्याल रहता न आराम का। कभी कभी सुबह सवेरे 6 बजे वो अपनी गाड़ी चलाकर मेरे घर आ जाते और हॉर्न बजा बजा कर मुझे जगाते और नीचे बुलाते। मैं बेचारा आंखें मलता हुआ नीचे आता तो सचिंदा कहते, अरे किशोर तू सो रहा था क्या? कोई बात नहीं रे, जरा सुन ये टीम कैसा बना है। कभी कभी रात के 11 बजे एकाएक उनका फोन आ जाता कि ए किशोर तू सो रहा है क्या? ओ आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कहता, सचिंदा इतनी रात का आप टेलीफोन कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? दादा कहते, अरे नहीं रे गड़बड़ काहे की, जरा सुन टीम कैसा बना है। बस फिर वो फोन पर ही गाना शुरू कर देते और मुझसे कहते, चल तू भी गा मेरे साथ। हाँ कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम पे तेरा। बोल बोल जरा। और मैं बोलता, कोरा कागज था ये मन मेरा। अरे 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 स्टूपिड, ऐसा क्यों गाता है, ठीक से गाना। सचिंदा अभी बजे हैं रात के 11, बड़ी जोर से नींद ने है मुझे मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, सो जा, कल सवेरे रिहर्सल के वास्ते घर पे आ जाना, ठीक? हाँ ठीक। कभी कभी तो ये होता कि वो अगर अपनी कार में कहीं जा रहे हो और सामने से मैं दिख गया तो जोर से चिल्लाकर दोनों गाड़ियां रास्ते के बीच रुकवाते और वही रिहर्सल शुरू कर देते। दोनों तरफ गाड़ी की लाइनें लग जाती, हॉर्न का शोर होता, ड्राइवरों की चिल्ला चिल्ली होती, मगर सचिंदा रास्ता नहीं छोड़ते, अपनी ही धुन में मगन रहते। एक बार इसी तरह राह चलते हुए सचिंदा से भेंट हो गई। बोले, किशोर चल उतर अपनी गाड़ी से और मेरी गाड़ी में बैठ। मैंने कहा, सचिंदा मुझे किसी की रिहर्सल पर जाना है। मगर उन्होंने जिद की, बोले चल चल आज मौसम कितना अच्छा है, देख कितने अच्छे बादल छाए हुए हैं, है? अपन थोड़ा घूम कर आते हैं। बस मैं उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुझे ले गए, ज्यादा नहीं सिर्फ 50 मील दूर कुछ हरे भरे खेतों के करीब आकर गाड़ी रोकी और बोले, किशोर जब भी मैं खेत देखता हूँ तो जी करता है कि मैं खेत में खूब दौड़ू, चल तू भी दौड़ मेरे साथ। सचिंदा की आज्ञा को मैं तो टालने से रहा, बस मैं भी उनके पीछे पीछे खेतों में भागने लगा। भागते भागते उनको मूड आ गया, उन्होंने कहा, चल मेरे साथ गाना भी गा। मेरे साथ गाना गा। मैंने कहा, सचिंदा कौन सा गाना? बोले, अरे वही डिंग लल्ला हो ही लल्ला हो ये लल्ला डिंग लल्ला डिंग लल्ला हाय लल्ला डिंग लल्ला हाय हाय हाय। अरे सचिंदा अरे मैं थक गया। देखा आपने, सचिंदा का मन बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम था और इसीलिए उनका संगीत भी बड़ा भोला सा बड़ा कोमल सा हुआ करता था।